आखिर खेसारी लाल यादव ने क्यों कहा कि वो पवन सिंह को बर्दाश्त नहीं कर सकते और पवन सिंह उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कही है खेसारी लाल यादव ने। हाल ही में एक YouTube को दिए इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने कुछ बातों का खुलासा किया। यहाँ उन्होंने अक्षरा सिंह को लेकर खुलासा किया, यहाँ उन्होंने पवन सिंह से अपने रिश्तों को लेकर खुलासा किया, लेकिन क्या क्या कहा है आइए बारी दर बारी हम आपको बताते हैं। एक्चुअली पवन सिंह पर जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि पवन सिंह से और आपके रिश्तों को लेकर जमाना ये हमेशा कहता है कि आपके रिश्तों के बीच हमेशा तल्खी रहती है, तो उसे लेकर खेसारी ने तुरंत कहा कि अगर आपको ये लगता है तो ये गलत है, ये किसी को भी लगता है तो ये गलत है, हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं इसलिए दुनिया को लगता है। हाँ, फिल्मी पर्दे पर हम कॉम्पिटिटर हैं और फिल्मी पर्दे पर हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब फिल्मी पर्दे से हटते हैं, रियल लाइफ में आते हैं, तो वो मेरे बड़े भाई के समान हैं और मैं उन्हें वही दर्जा देता हूँ। खेसारी लाल यादव ने यहाँ पवन सिंह के बारे में ये भी कहा कि मैं उनके पैर छूता हूँ और मैं उनसे आशीर्वाद भी लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उनसे कोई कंपटीशन है। कंपटीशन सिर्फ फिल्मी पर्दे पर है, रियल लाइफ में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। रही बात अक्षरा सिंह को लेकर, तो यहाँ पर खेसारी लाल यादव ने बड़े क्लियर टू क्लियर शब्दों में कहा कि अक्षरा टैलेंटेड है और अपने टैलेंट की वजह से ही यहाँ पर है। और खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि जब अक्षरा मुसीबत के दिनों में थी तो भी वो अपने से ही अपनी लड़ाई लड़ी है, और यहाँ कलाकार हमेशा अकेला ही रहता है चाहे वो जितना भी बड़ा कलाकार हो। यहाँ अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए खेसारी ने यह कहा कि हम सात भाई हैं, सात भाई में अकेले खेसारी लाल यादव ही क्यों कामयाब है, क्योंकि वो कामयाबी की हर एक सीढ़ी को बड़े ही शिद्दत के साथ चढ़ता है, साथ ही साथ वो 48 घंटे का जो प्रेशर होता है, यानी कि लगातार दो दो दिन न खाना न पीना, लगातार दो दो दिन न सही से सोना न ठीक से खाना, ये सारी बातें हमारे करियर में ही शामिल होती हैं। तो भाई ये 48 घंटों का प्रेशर तो सिर्फ मैं झेल सका, इसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ये बात नहीं है कि मेरे भाइयों में कोई काबिलियत नहीं है, वो मुझसे भी काबिल हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो किसी रीज़न की वजह से हूँ। तो भाई यहाँ पर आपने सुन लिया खेसारी लाल यादव ने परत दर परत कई चीज़ों के बारे में बोला है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ खेसारी ने हर एक मुद्दों पर खुलकर बोला, फिर वो चाहे पवन के लिए हो, फिर चाहे वो अक्षरा के लिए हो, फिर वो चाहे अपने भाई बहनों के रिश्तों को लेकर हो, यहाँ पर खेसारी लाल यादव बड़े खुलकर नजर आए। तो भाई अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।